शानू आया और देखो चीकू कितना खुश हो रहा है। और शानू बोला क्या लेकर आया है? हाथ सेक रहे हैं, हाथ पैर हाँ सेक रहे हैं, बढ़िया मजे आ रहे हैं। किसी भी दिन को अगर स्पेशल बनाना है ना, तो एक बढ़िया रेसिपी या कुछ बढ़िया खाना बना दीजिए और वो दिन यादगार बन जाता है। और खासकर तब जब छुट्टियां चल रही हो, नया साल आने वाला हो और बच्चों की कुछ स्पेशल डिमांड हो, तो पूछ लिया बच्चों से, उन्हें आज कुछ स्पेशल ही खाना है। बाहर जाने का कोई भी प्लान नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो मतलब मॉर्निंग में ना कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, जल्दी से बनाऊंगी स्पेशल खाना और आज ब्रंच ही होगा। थोड़ी सी मटर बॉईल कर ली है क्योंकि पहले ही पूछ लिया था मैंने एक दिन पहले बच्चों से, और कुछ मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और बनने जा रहा है एक स्पेशल रेसिपी, स्पेशल थाली। और चलो उसी को देखते हैं। ठंडना बढ़ती जा रही है और हल्का सा मुझे जुकाम भी हो रहा है, थोड़ी सी ठंड लग गई है। और नए साल पर बच्चों की नई नई फरमाइशें होती हैं कि ये बना दो वो बना दो, तो आज दाल बाटी चूरमा बनेगा जिसका कि भोग ठाकुर जी को भी लगेगा। तो कोई मतलब इसमें अनियन हुआ या लहसुन हुआ ये सब चीजें नहीं पड़ेंगी। तो दाल बाटी चूरमा बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने आलू भी बॉईल कर लिए हैं, छील लिए हैं, मटर छील ली है। और जो बाटी बनेगी ना वो खाली भी बनती है, उनके अंदर कोई स्टफिंग नहीं भरी जाती और एक स्टफिंग की बाटी बनती है। तो मैं स्टफिंग तैयार करूंगी, दाल चढ़ाऊंगी और साथ के साथ जो भी करती जाऊंगी वो शेयर करूंगी और फटाफट बना लूंगी। जब काम एक साथ पैरेलल करो ना तो सारी चीजें फटाफट बन जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बाटी में भरा जाएगा एक स्टफिंग, उसको मैं तैयार कर रही हूँ। तो जो भी मसाले थे वो सारे तेज मसाले डालकर, जो मैंने मटर बॉईल करी है ना वो मैं इसमें मिक्स करूँगी। जैसे आप कुछ भी स्टफिंग बनाते हो, पनीर की बना लीजिए, आलू की बना लीजिए, और अच्छी तरीके से हमें मटर को ना दबा दबा के बिल्कुल मैश कर लेना है। और जब ये मैश हो जाए तो इसमें मिला लेंगे आलू, पनीर, जो भी आप चाहें इसे मतलब इसमें मिक्स कर लीजिए और इससे एक अच्छी स्टफिंग बाटी के लिए रेडी हो जाएगी। एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है चूरमा की, जो कि आप गेहूं के आटे से या बाजरे के आटे से, रागी के आटे से, किसी भी आटे से बना सकते हैं। और मुझे लगाना है आज भगवान जी को भोग, तो वो गेहूं के आटे का ही बनता है। और कई बार मैंने आपको ये रेसिपी बताई है, दाल बाटी चूरमा, ये तीनों चीज़ों का ना एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और इसे बनाने के लिए मैंने आटा लिया है, आप कुछ भी क्वांटिटी ले लो जितना बनाना है आपको। और इसमें थोड़ी सी सूजी हम मिलाते हैं और थोड़ा सा बेसन मिलाते हैं जिससे ना इसमें बड़ा अच्छा सौंधापन आ जाता है। और चूरमा ना एक तरीके के लड्डू होते हैं और इसमें हम डालते हैं मोयन, और इतना मोयन डालते हैं कि अच्छे से मुट्ठी बन जाए। और ये सब कुछ चीज़ें जो हैं, जो भी इसका मेजरमेंट है, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। इसका एक मतलब टाइट सा पूड़ी जैसा डो बनाएंगे हम, उसे रख देंगे। और इधर मैं चढ़ाऊंगी दाल, और दाल ना मैंने काली उड़द की और धुली उड़द की दोनों दाल मिक्स करके मैं बनाऊंगी दाल बाटी चूरमा के साथ। और जो ये दाल है ना ये सिंपल तरीके से बॉईल करके फिर मैं छौंक दूंगी। और हाँ, जब कभी भी भोग का छौंक बनता है तो उसमें बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। और इस तरह से धीरे धीरे जो है मेरा खाना बनना शुरू हो गया। ये देखिए, ये काफ़ी टाइट आटा रहता है और जो चूरमे का होता है, बस इसको इस तरीके से दबा के हमें जो है ना इसकी जो है पूड़ी सी सेकनी होती है, मोटी मोटी सी। और ये बिल्कुल धीमी आंच पर सेकेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमने मोयन मिलाया है। और जैसे ही ये सुनहरी हो जाएंगी इनको हम निकाल लेंगे। और जो ये चूरमे के लड्डू होते हैं इन्हें आप अब जाड़ों में मतलब काफ़ी दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं। और जो ये पूड़ी सिक गई थी इनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, और ये मतलब मैंने गरम गरम ही काम किया क्योंकि पहले तो क्या होता है ना, इसे तोड़ के पहले जब गाँव वगैरह में बनाते हैं तो वहाँ तो छलनी से छान के बनाते हैं, लेकिन मैं इसे मिक्सी में पीसूंगी और अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग जितना खोआ इसमें डालना चाहें उसे थोड़ा सा हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि शेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए इन चूरमा के लड्डुओं की। और जो ये हमने पूड़ियाँ तोड़ी थी इनको मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और इस तरह से जितना भी हमने बनाया है उसे बारीक पीस के तैयार कर लेंगे।
और अब सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। खोआ हुआ और कुछ ड्राई फ्रूट्स हुए, और मीठे के लिए बूरा डाला है, पिसी चीनी, जो भी आप डालना चाहें। और अगर लड्डू ना बंधें तो इसमें थोड़ा सा घी ऐड करते हैं और फिर बना लेते हैं लड्डू। ये बहुत ही फेमस एक लड्डू हैं और ज़्यादातर जब कभी भी कोई फेस्टिवल होता है तो ये ज़रूर बनते हैं। बस जल्दी जल्दी मैं बनाऊंगी ये लड्डू, और अब मेरी दाल भी छुक गई है और लड्डू बन गए हैं चूरमे के, और अब मुझे बनानी है बाटी। तो दाल और चूरमा तो बन गए और अब बारी आई बाटी बनाने की। और बाटी बनाने के लिए हमें बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले आटा तैयार करना है, तो 2 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलाएंगे, जिसमें है सूजी 4 बड़े चम्मच, और जितनी सूजी होगी उतना ही हम इसमें बेसन मिला लेंगे, यानी कि 4 बड़े चम्मच। थोड़ी सी अजवाइन लेंगे और उसे हाथों से पीस के इस तरह से क्रश करके डालेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से जो धनिया के साबुत बीज होते हैं ना, उनको भी क्रश करके डाल देंगे इसी में। और थोड़ा सा इसमें हम नमक अगर आप ऐड करना चाहें तो नमक भी करेंगे। मोयन के लिए 1 कप घी डालेंगे या कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून इसमें डाल के घी में मिक्स करने के बाद तब हम पूरे आटे में इसे मिक्स करेंगे। इससे जो बेकिंग सोडा है वो अच्छी तरीके से आटे में आ जाता है। मोयन बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि मुट्ठी बन रही है, और अब इसका पूड़ी जैसा एक हम डो बना लेंगे, और बनाने के बाद हम इसको करीब आधे घंटे के लिए रख देंगे। आटे को आधा घंटे के लिए रख दिया था, तो सूजी और बेसन आटा सब अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो छोटी छोटी इस तरीके से हमने ये लोई ली हैं, इनको किनारे पतले करके और बीच में जो हमारी स्टफिंग है ना वो हम इसमें भरेंगे, और एक अच्छी सी हम एक पेड़ा सा तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से स्टफिंग ली और चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसे बंद कर लेंगे। आप चाहें तो मसाला बाटी जैसे ये बन रही हैं, आप चाहें तो प्लेन बाटी भी बना सकते हैं, वो भी खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह से सारी बाटी हम तैयार करेंगे। अब ये तैयार हो गई है, सारी बाटी भर गई है, और बाटी बनाने के लिए मैं अप्पे मेकर का यूज कर रही हूँ। इसके लिए ओटीजी हुआ, अवन हुआ या एयर फ्रायर हुआ, सब में अच्छे से बन जाती है, कुकर में बन जाती है बाटी। और मेरे पास तो जो बाटी बनाने का आता है ना तंदूर, जो गैस वाला, वो भी है, लेकिन हॉब पे उसे नहीं रख सकते, चटकने का डर रहेगा, इसलिए मैं अप्पे मेकर में बना रही हूँ। हल्की आंच पे इस पे बनते रहेंगे। तो सारी बाटी बन गई और एक बार में शायद 12 पीसेस बन जाएंगे। और अब बनाते हैं फटाफट बाटियां। जो विंटर्स है ना उसमें हमने जो मोयन देसी घी का दिया है उससे ना ये बहुत टाइट हो रहा है। जो ये अप्पे मेकर है इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया, और फिर हम जितने भी हमारी बाटी हैं उनको डालेंगे। ऊपर एक नाइफ से थोड़ा सा एक क्रॉस का डिज़ाइन बना लिया, देखने में अच्छी लगेंगी, और इस तरह से हम इसमें रख लेंगे। और ऑयल डालने से पहले हमने अप्पे मेकर को थोड़ा सा गर्म कर लिया था गैस में, और उसके बाद हमने फ्लेम इसकी धीमी कर ली थी, और बिल्कुल धीमे फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा के हम इसको ढक देंगे, और जब आपको लगे कि फ्लेम बहुत ज़्यादा धीमी है तो हल्की सी इसे बढ़ा दीजिए, बस इतना ही करना है, और इसे पलटते रहना है लगातार, बीच बीच में आप चेक करते रहिए। और दाल भी तैयार हो गई है, और थोड़ा सा हलवा भी इस सारी रेसिपी में अच्छा लगेगा, मतलब थाली में अच्छा लगेगा, तो वो भी मैंने रख दिया अपने इसी हॉट कैसरोल में। आप लोगों को बताया था बड़ा बढ़िया है। और अब देखिए ये बीच बीच में हम इसे पलटेंगे, और ध्यान रखिएगा जो बीच का साइड होता है अप्पे मेकर का, यहाँ थोड़ी सी जल्दी बनती है बाटी। तो देखिए ये एक तरफ से इतनी सिक गई हैं और मैंने पलट ली हैं, और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है इनमें। और धीरे धीरे जैसे देखिए सिकती जा रही हैं, तो अप्पे मेकर में बाटी बनाना बहुत आसान है, बहुत फंक्शनल है। वैसे तो ओटीजी में भी ये बहुत अच्छी बनती हैं। अब मैं
और इस तरह से ना आप भी इन बाटियों को ज़रूर ट्राई करना, बहुत आसान है इनको बनाना और खाने में इतना स्पेशल बन जाती है ये चीज़ कि लोग वाह वाह कर उठते हैं। अप्पे मेकर में ना बाटियां बहुत परफेक्ट सिकी, बहुत बढ़िया बनी है, बिल्कुल करारी। और इनको ना मैंने स्लो जो है फ्लेम पे रखा था, बीच बीच में थोड़ा सा बढ़ा दे रही थी मैं इनको, और जो बीच वाली होती हैं क्योंकि फ्लेम बीच में ज्यादा रहती है तो बीच में ज्यादा सिकती हैं, वो जल्दी सिक गई थी तो मैंने उनको उलट पलट करके सेक दिया है। वैसे तो रायता भी बनाते हैं जैसे बाटी वगैरह बनती है, लेकिन मैंने रायता ठंड की वजह से नहीं बनाया, बिल्कुल गर्म रहता है इसमें खाना अच्छा। देखो कितनी बढ़िया बाटी बनी है, बिल्कुल सिक गई है करारी, देखो कितनी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया बनी है, मतलब बहुत अच्छा तरीका। और ये जैसे फटती है ना जैसे बाटियां, बिल्कुल वैसे फट भी गई हैं। अब बाटी को खाने का तरीका ये है, ऐसे डाल के और फिर बाटी में डलता है खूब बढ़िया सा घी। तो ये है हमारी भोग की, एक और रख देते हैं इसमें, हम इसमें भी डालते हैं घी और एक रखते हैं यहाँ हम, इसमें भी डालते हैं। तो अब ये भोग की थाली तैयार हो गई है, अब हम इसको भोग लगाएंगे हनुमान जी को और ठाकुर जी को, सब भगवानों को नए साल पे, ताकि हमारा भी आगे आने वाला जो समय हो वो मंगलमय हो और हमारे ऊपर सबका आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार बना रहे। तो अब बच्चे लगाएंगे भोग, लोग करम शानू। और इस तरह से नए साल से पहले हमारी स्पेशल दाल बाटी चूरमा की थाली बन भी गई और हमने उसका भोग भी लगा दिया और फिर हम सब लोगों ने बैठ के लंच किया और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट और जो कुछ काम मुझे करना था वो कर लिया और अब शाम का इंतज़ार था क्योंकि शाम को भी बहुत कुछ स्पेशल अब मैं बनाने वाली हूँ। शानू आया और देखो चीकू कितना खुश हो रहा है। और शानू बताएं क्या लेकर आया है? शानू लेकर आया है क्या? ये अंगीठी लेकर आया है शानू। हैं कोयले भी हैं। अब हम जलाएंगे ये अंगीठी, देखो अब इसे कैसे कैसे जलाना है पता चलेगा। पहले भी ना एक अंगीठी थी हमारे पास, जब विंटर्स होते थे ना तो हम कभी कभी उसे जलाया करते थे। अब अंगीठी जलाने की तैयारी हो रही है और जैसे ठाकुर जी की जब सेवा होती है तो बिहारी जी में भी अंगीठी रखी जाती है क्योंकि विंटर्स है जाड़ों की वजह से। और चीकू को तो सब देखना है क्या हो रहा है। और आप लोग कहते हो ना कि मैं इसे कुछ पहनाती नहीं हूँ, ये कुछ पहनता ही नहीं है, इसका इतना सारा सामान आता है लेकिन ये कुछ भी नहीं पहनता। मैंने ना पनीर टिक्के की तैयारी कर ली थी, थोड़ी सी दही पनीर और ये है पनीर टिक्का का मसाला, इसको मैं बना के रखती हूँ घर पे ही, जब भी पनीर टिक्का बनाना हो बस इसको ना दही में मिक्स कर लेते हैं और बहुत टेस्टी पनीर टिक्का बनता है। चलो अब फटाफट और फिर देखते हैं फिर अंगीठी कैसे जल्दी, अगर अंगीठी में नहीं बना तो मैं ओटीजी में या एयर फ्रायर में या गैस पे भी बन जाता है। पनीर टिक्का तो बहुत आराम से बन जाता है, पकड़ के सेकना होता है या पैन में रख के उलट पुलट कर लेते हैं। तो मैं इसकी तैयारी करके रख देती हूँ पहले और फिर अंगीठी जलाएंगे। और शानू ना ये लकड़ी के कोयले भी लेकर आया था तो इन कोयलों को रख के उसी ने इसमें आग लगाई। काफ़ी दिनों बाद ना बड़ा अच्छा सा लगा अंगीठी जला के। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बिल्कुल अलग और नई तरीके की होती हैं और हमारी एक एक जैसी लाइफ में ना बहुत चेंज लेकर आती हैं। हाथ सेक रही हूँ मैं, हाथ पैर। हाँ सेक रहे हैं, बढ़िया मजे आ रहे हैं खूब। लेकिन तुम्हारा पनीर टिक्का इस पे नहीं बनाऊंगी मैं, पनीर टिक्का जो बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी जाके ओटीजी में, ठीक है ना? सबको बाहर बैठे हैं लेकिन बाहर बैठ के नहीं लग रहा ना ऐसा कि बाहर बैठे, खूब गर्माई आ रही है, बढ़िया अच्छा लग रहा है। और छत पे करीब हम 2-2.5 घंटा बैठे और हम लोगों ने खूब ढेर सारी बात करी। और मैंने जो अंगीठी जलाई थी उसमें ये नहीं बनाया पनीर टिक्का और मैं इसे अब ओटीजी में ही बनाऊंगी। बहुत ही आसान होता है इसे बनाना, एक इतना अच्छा टाइम बीता। वैसे तो हम रूम में ही बैठ के बातें करते रहते हैं लेकिन बिल्कुल अलग सा फील हुआ, ऐसा लगा कहीं बाहर आ गए हैं। और इस पनीर टिक्के के मसाले की रेसिपी जल्दी ही आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान होता है और 5 मिनट में ही बहुत अच्छा पनीर टिक्का रेडी हो जाता है। तो दोस्तों
ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये आज साल का लास्ट डे है, इसे खूब अच्छे से सेलिब्रेट करना, और फिर नए साल में एक नई सुबह होगी जिससे एक नई शुरुआत हम ज़रूर करेंगे। ये मैंने इसमें सेट कर दिया है, मैं इसे रखूंगी ओटीजी में, और ये एयर फ्रायर में भी बन जाता है, कढ़ाई में भी बन जाता है, और आप चाहें तो डायरेक्टली गैस पे भी इसको हल्का सा भून सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ इसे ओटीजी में। का ये था वीडियो जो कि एंड की तरफ आ गया है। तो दोस्तों, नए साल की आप सब लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से स्वागत करिएगा नए साल का। और ये हमारी एक सिंपल तरीका था, एक सिंपल सी फैमिली का एक बिल्कुल सिंपल तरीका नए साल को सेलिब्रेट करने का या वेलकम करने का। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नए साल पे। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय, और हैप्पी न्यू ईयर, शुभ नया साल।